वैसे लुका छुपी का खेल तो चल रहा है लक्ष्मी और नीलम के बीच में भी। क्या है ना कि लक्ष्मी जाने अनजाने ऋषि के घर तो पहुंच गई और नीलम की नजरों में भी आ गई, लेकिन बाकी घर वाले इस बात से अनजान है कि लक्ष्मी घर के अंदर एंट्री ले चुकी है। लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, आज लक्ष्मी की चोरी पकड़ी जाएगी, क्योंकि लक्ष्मी की एक सास यानी कि ऋषि की मॉम नीलम ने उसे देख लिया है। इसलिए तो वो लक्ष्मी की तलाश में है, जिसके चलते ही कमरे का दरवाजा तोड़ा जा रहा है। भला हो लक्ष्मी का जिसने एक कोना पकड़ लिया जहां उसे कोई नहीं देख सकता, वरना आज ऋषि मलिष्का की एनिवर्सरी पार्टी में बहुत बड़ा हंगामा हो जाता। आप सभी के मन में ये सवाल जरूर पैदा हो रहा होगा कि भला लक्ष्मी ऋषि के घर कैसे पहुंच गई। तो हम आपको बता दें कि रोहन ने लक्ष्मी की बेटी पारो को अपने मॉम डैड की एनिवर्सरी में इनवाइट किया है, जिसके चलते ही पारो अपनी माँ लक्ष्मी के साथ आई थी इस पार्टी को अटेंड करने। लेकिन लक्ष्मी को ये बिल्कुल भी नहीं पता कि रोहन के डैड कोई और नहीं बल्कि ऋषि है। अब तो वो घर में आ गई, लेकिन जब नीलम की नजर पड़ी तो लक्ष्मी ने खुद को छुपाना बेहतर समझा। वहीं मलिष्का को भी एहसास हो चुका है कि उसने लक्ष्मी को देखा है, तभी तो अनुष्का की दी हुई पेंटिंग से भी उसे ज्यादा खुशी नहीं हो रही। अब लक्ष्मी तो ऋषि के घर में फंस चुकी है। अब देखना होगा कि ये गुत्थी लक्ष्मी भला कैसे सुलझाती है, या लक्ष्मी पूरे घर वालों के सामने बेनकाब हो जाएगी और लक्ष्मी का सच सबके सामने आ जाएगा कि लक्ष्मी अभी जिंदा है। आज आपको पहली बार रोहन के डैड से मिलके बड़ा मजा आएगा। जेंटलमैन, आज हम यहाँ ऋषि और मलिष्का की 7th वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिस घर में हुए थे सितम, लक्ष्मी ने रखे उसी दहलीज पर कदम। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। पराया बनाकर किया था अपमान, कैसे करेगी लक्ष्मी उस परिवार का सामना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, अंगद और दिलजीत की तो अब लड़ाई हो गई है और इस सब के बीच में साहिबा ने एक बात तय कर ली है कि दिलजीत को अकीर से दूर रखना है। तो अकीर मेरा बेटा है, मेरी जिंदगी है, अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करता हूं मैं उसको, और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, रब भी नहीं। ठंडी ठंडी आइसक्रीम देखकर इस सब का आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। दिलजीत भी आइसक्रीम खाना चाहता है, लेकिन उसके मुंह पे लाल रंग लगा हुआ है। अगर वो आइसक्रीम खाएगा तो लाल कलर भी पेट के अंदर चला जाएगा, इसीलिए फिलहाल उसने मन को मार लिया है। अपनी गंदी ज़बान पर मेरे बेटे का नाम मत लेना। यहाँ पर अंगद के साथ हाथापाई शुरू हो गई है। कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई है, देखिए अंगद और साहिबा को।
अलावा तुम्हें मुझे गालियां देनी है गालियां दो, मुझे दुनिया भर की लानतें दे दो, लेकिन इसके साथ कंपेयर मत करो मुझे। और मुझे भी ऐसा है तुम मत करो जब अपने प्रेग्नेंट बीवी को छोड़ने चला गया था बेसहारा। और रही बात अकीर की ना, तो अकीर मेरा बेटा है, मेरी जिंदगी है, अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करता हूं मैं उसको। और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, रब भी नहीं। आज मैं तेरी जबान तेरे मुंह से खींच निकालूंगा। अब दलजीत अकीर को बहुत प्यार करता है। उसे जब पता चला कि गैरी ने अबीर को किडनैप कर लिया है, फिर क्या वो अपने बच्चे को बचाने के लिए पहुंचा। और यहां पर साहिबा को ऐसा लग रहा है कि अबीर को दलजीत ने किडनैप कर लिया था। इसी बीच अंगद और दलजीत की कितनी लड़ाई हुई, मामला बहुत आगे बढ़ गया, पुलिस भी आ गई। और यहाँ पर दलजीत ये कह रहा है कि मुझे मेरा बच्चा दे दो, मेरे बच्चे से मुझे दूर मत करो। कि शुरू से ही दलजीत ने अकीर के पैदा होने से लेकर अब तक उसका उसको पाला पोसा है, उसको बड़ा किया है, एक बाप का प्यार दिया है, और उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। उसने खुद शादी नहीं की, खुद अपनी फैमिली नहीं बनाई, तो आज जब अकीर उसे छीन रहा है तो वो मजबूरन अपने बच्चे के प्यार को पाना चाहता है, और उसके लिए कुछ भी करना पड़े करेगा। उसके लिए कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं दुनिया में अभी अकीर के अलावा। उसकी बात कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। साहिबा जो एकदम से बदल गई, जबकि वो दलजीत को अच्छे से जानती है। फिलहाल पुलिस पकड़ कर ले गई है दलजीत को। अब कैसे सच का पता लगेगा? क्या साहिबा इस सच का पता लगा पाएगी? और सच जानने के बाद अंगद और साहिबा एक होंगे या और भी दूर हो जाएंगे? ये कहानी तो आगे बहुत सारी लिखी गई है। फिलहाल जो कहानी टीआरपी देगी वही कहानी आगे बढ़ेगी। मुंबई के फिल्म सिटी में यूं खुले में शूट करना बहुत बड़ी परेशानी बन गई है। इतनी धूप है, गर्मी है, और उसी बीच में फाइटिंग का ये सीक्वेंस, सच में आज तो सबको नानी याद आ गई होगी। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल परिणीति में लीजिए, नीति ने कर दी है एक और साजिश, और इस बार तो साजिश ऐसी ही कि परी का काम तमाम ना हो जाए। जी हाँ, परी का गला दबाने की कोशिश कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी परी फना हो जाएगी। लेकिन लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि ऐसा हुआ तो फिर परिणीति की परी गायब हो गई, तो सीरियल में बचा क्या? अब ये मत पूछना कि भाई यहाँ पर क्या क्या होने वाला है। जो जो हो रहा है वो हम भी देखेंगे और आपको भी दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब परी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे के पीछे नीति का हाथ है। एक बार फिर से परी अस्पताल में पहुंच गई है, और जैसा कि आप सब जानते हैं, इससे आगे कोई लिख नहीं सकता है कि कैसे परी का काम तमाम करना होगा। पिछली बार भी नीति ने जो किया था वही इस बार भी कर रही है।
लगता है कि नीति का प्लान कामयाब हो गया है, बिकॉज नीति जब यहाँ आती है तो डॉक्टर बोलती है कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है परी, और परी के पूरी बॉडी में पानी भर गया है, सो यहाँ पर इलाज भी नहीं हो पाएगा उसका, ये सब वो बोलती हैं। सो नीति इज़ काइंड ऑफ वेरी हैप्पी। लेकिन ये क्या, इतने बड़े अस्पताल में बिजली कैसे गुल हो गई? क्या अस्पताल वालों के पास कोई बैकअप नहीं है? चलिए कोई नहीं, अब इस बात को भी हजम करना पड़ेगा कि अस्पताल में भी इतने घंटों तक बिजली गुल हो सकती है। इसी का फायदा उठाने वाली है नीति, और साथ में एक बार फिर से एंट्री हो गई है राकेश की। फिलहाल तो राकेश और नीति के बीच ये बात तय हो गई है कि परी को इस दुनिया से ऊपर भेज देना है। अब परी से प्यार करता है राकेश, ऐसा तो वो करेगा नहीं, तो वो देखिए अस्पताल से परी को ले जा रहा है। कभी ताई जी को शक होता है तो कभी बीजी आकर नीति को बचा लेती है। अब बीजी ही तो है जो नीति का हर कदम पर साथ देती है, जबकि नीति हमेशा बुरा काम ही करती है। हर चीज में टोकते क्यों हो आप? मुझे भी पता है कि मैं सबसे जल्दी नहीं जा रही, किसी का फोन करने जा रही। देखो, मारने का प्लान तो दोनों का था, अब कोई भी मारे उसके मरने से हमें मतलब है। लेकिन यहाँ पर जो राकेश है उसका जो दिल है वो फिर से पिघल गया है परी के लिए। वो जाता तो है यही बोल के कि मैं मारने जाता हूँ उसको उसके रूम में, लेकिन जैसे वो रूम में पहुँचता है और परी को देखता है उसका दिल पिघल जाता है और वो कहता है नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ किडनैप करके घर ले जाता हूँ। अब अस्पताल से है परी गायब हो रही है, राजीव को भनक भी नहीं पड़ रही है। इस कहानी का आगे का सार क्या होगा ये तो हम आपको बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी तक जो होता आ रहा है वही तो चला आ रहा है, इसीलिए नया कुछ होने की हमें कम उम्मीद दिख रही है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, मंगल की नजरें जो है ना वो कार्तिक पर है, और कार्तिक इस बार मंगल की नजरों से बच नहीं पाएगा, बल्कि कहना पड़ेगा कि बच नहीं पाया। किसी को साजे दूजा करे तो ठेंगा बाजी, ये होली अब क्यों बना रखा है? ताजी ताजी सब्जी चांदनी चौक की ले लो, टिंडे ले लो, एक किलो वाले। अरे भैया, जिससे प्यार करते हैं उसे तो बाद में मना ही लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले चलिए उस इंसान को मनाते हैं जिसकी बात सुनकर लक्ष्मी कभी भी इनकार नहीं कर सकती है। भाभी जी, आप देखिए सब्जी की दुकान से, देखिए कितनी ताजी सब्जी हमारे पास। अरे भैया, वो आगे दादी का बैठते हैं ना, उन्हीं से लेते। वो तो अपनी दुकान बंद करके चला गया, कहीं उसे कोई जरूरी काम आ गया था तो इसलिए गाँव भागना पड़ा उसे, तो मैं ले आया आपके लिए। जैसा की आप अभी देख रहे हैं यहाँ पर एक सब्जी वाला घूम रहा है। बताइए बताइए क्या दूँ आपको, बताइए। सब्जी वाले की शक्ल कुछ पहचानी पहचानी सी लग रही है। जब मंगल ने इस सब्जी वाले को देखा तो वो देखते ही समझ गई कि ये कोई और नहीं बल्कि कार्तिक है। बेस बदलने का फायदा हुआ क्योंकि उनके चेहरे पे खुशी स्माइल आ गई है। अब स्माइल आ गई, दैट मींस उन्होंने मुझे माफ कर दिया है। तो मंगल भाभी को तो मना लिया मैंने,
अब मेरी बारी आती है लक्ष्मी को मनाने की। अब वो मुझे मंगल भाभी बताएगी कि उनको कैसे मनाना है। अब कार्तिक सब्जी वाला इसलिए बना है ताकि अपनी मंगल भाभी को वो मना सके। अरे भाई, ये मंगल भाभी मानेगी तभी तो ये लक्ष्मी मानेगी। अब लक्ष्मी और कार्तिक के रिश्ते की बात चल रही है। ये कार्तिक वहाँ पहुँच नहीं पाया और इसी के साथ ये वहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन भी हो गया। उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये पहले वो मंगल भाभी के पास आया है, उन्हें मनाएगा ताजी ताजी सब्जियाँ बेचकर, और उसके बाद ये दोनों जाएंगे लक्ष्मी के पास। जी हाँ, अभी दे देता। अभी ये लीजिए, ताजे ताजे परवल। चुकंदर नहीं भैया, परवल। सब्जियों में बेचार नहीं है क्या? आपको कुछ भी दिए जा रहे हैं। देखिए, भाई वाह कार्तिक, आपने सोचा तो अच्छा है, लेकिन क्या लगता है कि आपकी मम्मी जी मान पाएंगी कि क्या वो लक्ष्मी को अपने घर की बहू बनाएंगी? अरे अम्मा ने देखे ना कि उनका लाड़ा कार्तिक सब्जी वाला बन के सड़क पे अकेला खड़ा होकर सब्जियां बेच रहा है, देखिए अभी यहाँ पर मामला फिट नहीं बैठा है। अभी तो आपको दोनों बहनों को मनाने के लिए ही केवल सब्जी बेचनी पड़ रही है। सोचिए सोचिए, जब अपनी माँ को मनाना होगा तो आपको और क्या क्या बेचना होगा। हमारी बात पर गौर जरूर कीजिएगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे आप जानते हैं ना कि ये जो आभूषण होते हैं ये नृत्य के श्रृंगार का एक अहम हिस्सा होते हैं। जी हाँ, आहार्यम जिसे कहा जाता है। बिना इन जेवरों के, इन गहनों के, मानिए आप क्लासिकल डांस कर ही नहीं सकते हैं। और ज्वेलरी की याद मुझे क्यों आई, क्योंकि हमारी जो प्राची है ना, मुझे लगता है अब तो वो डांस कर ही नहीं पाएगी। नॉट दैट शी यूज्ड टू डांस अर्लियर, पर क्या है ना कि वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में हैं और इसके चलते वो अपने जेवर बेच रही है। वहीं दूसरी ओर एक परीक्षा का सामना तो पूर्वी भी कर रही है। एग्जाम तो साल में एक बार होता है, लेकिन प्राची और पूर्वी की परीक्षा तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब माँ बेटी एक के बाद एक इतनी परीक्षा दे रही है, इतने में तो यूपीएससी क्लियर हो जाए। एक लाख तो बहुत कम है, ये सुना बहुत अच्छा है। एक बार चेक करके सही दाम बता दीजिए। अब पूर्वी को 25 लाख का कर्जा उतारना है। ऐसे में पूर्वी ले आई है घर के सारे गहने बेचने के लिए, ताकि उनसे मिले पैसों से वो अपना कर्जा उतार पाए। उसी वक्त वहाँ ताशु प्राची को देख लेती है और उसकी मदद करने की कोशिश करती है। वो जो मैडम अभी यहाँ पे खड़ी थी, मुझे जितने भी पैसे चाहिए ना, प्लीज आप उन्हें बुला के ले लीजिए। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मैं प्लीज बुलाइए और मुझे जितना चाहिए दे दीजिए, जितना भी एक्स्ट्रा होगा ना, आई प्रॉमिस मैं आपको दे दूंगी, ठीक है? और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मत बताइएगा कि लेकिन प्राची को इस मुसीबत से खुद ही बाहर आना होगा, क्योंकि 25 लाख जमा करना कोई खाने का काम नहीं है। तो आपको बाकी कितने बजे चाहिए? 40-13 लाख तक।
एग्जैक्टली क्या तोड़ निकालेंगे कैसे करेंगे वो पता नहीं है, लेकिन हाँ मैंने अपनी सारी गहने जैसे कि आप देख सकते हैं सब कुछ निकाल दिया। एक काला धागा पहन रही हूँ बस गले में, ताकि गला सोना नहीं होना चाहिए। घर की सारी ज्वेलरी हमने निकाल के दे दी है प्राची को, वो जाके बेचने जाएगी, लेकिन उससे पता नहीं कितना फ़र्क पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि कर्जा तो 25 लाख का है और गहने तो उतने की वैल्यू है नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्वी को भी एक बड़ी परीक्षा देनी है। घर में आरवी के क्लाइंट्स आए हैं, जहां मिस्टर मेहरा और मिसेस मेहरा घर वालों को बताते हैं कि उनके साथ 10 और लोग आ रहे हैं। अब ऐसे में वो कहते हैं कि खाने का इंतजाम तो नहीं हो पाएगा, तो सभी लोग होटल से खाना मंगवा लेंगे। का खाना स्टॉल तो खाना तो लेकिन सावधान पूर्वी, ये एक परीक्षा है जहां मिस्टर और मिसेस मेहरा घर वालों की मेहमान नवाजी को टेस्ट करना चाहते हैं। नहीं नहीं, आप प्लीज आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये तो हमारी ही गलती थी कि हमने लोगों को बताया नहीं कि 10 लोग आने वाले हैं। बिजनेस डील के लिए दोनों आए हैं और मल्होत्रास को वो डील चाहिए एनी हाउ, और वो लोग हमें टेस्ट कर रहे हैं, हमें चुनौती दी है उन्होंने। आई थिंक उनके साथ 10 लोग और आ रहे हैं और सबके लिए डिनर हमें रेडी करना है। पूर्वी जाती है कि वो खाना रेडी कर लेती है, लेकिन आई थिंक किसी को उस पर ट्रस्ट नहीं है कि इतने टाइम में कैसे होगा। लेकिन पूर्वी तो आदर्श बहू है और उसे परीक्षा से डर नहीं लगता। उसने तो साफ कह दिया है कि खाने का इंतजाम हो जाएगा चाहे कितने भी लोग हो। नहीं, मिसेस मेहरा, बाहर से खाना ऑर्डर करने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग हमारे घर पर आए हैं तो घर में खाना खाएंगे। 10 लोग क्या, और भी लोग आ जाए, घर है, जगह है, खाना है, सब अरेंज हो जाएगा, डोंट वरी। अब पूर्वी और प्राची दोनों को ही इस मुसीबत का सामना कर इस परीक्षा को पास करना होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, पर्दा तो हटा दिया है बिंदिया ने साक्षी और पायल के खेल को बेनकाब करके, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि ये जो क्रिश हैं ये अभी भी बिंदिया पर यकीन करना चाहते ही नहीं है, और वो तो चाहते हैं कि बिंदिया उनके घर को छोड़कर निकल जाए। लेकिन इस बार बिंदिया ने भी अपनी कमर कस ली है और वो भी धरने पर बैठ चुकी है। अभी निकल जाओ हमारे घर से। अब हम इस घर से कहीं नहीं जाने वाले। है तो इस घर की ही बहू रानी, पर एकदम जमीन से जुड़े हुए हैं। हम भी तुम्हें इस घर से बाहर निकाल करेंगे। बात तो सच में बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है कि अगर परिवार वाले नहीं चाहते हैं तो क्या जरूरत है उसी घर में जाकर रहना और ये साबित करना कि मैं सही हूँ आप सब गलत हो। अरे जिसे मानना है वो मानेगा और जिसे नहीं मानना है वो ना माने, इससे बिंदिया तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बार बार तुम्हें खुद को प्रूफ करना पड़ता है। बताओ, जहाँ पर प्यार होता है वहाँ पर खुद को साबित करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब बिंदिया रूप बदल कर आई थी अपने ससुराल में सच का पता लगाने। उसे सच का पता चल भी गया, घर वालों के सामने उसने पायल और साक्षी का पर्दाफाश भी कर दिया, लेकिन क्या फायदा, उन्हें तो बिंदिया ही गलत लगती है। सीन में जब वो मुझे ड्रैग करके नीचे लेके आती है तो उसको लगता है कि मैं सब कुछ बता दूंगी घर वालों के सामने, फिर पायल भी बहुत डर जाती है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। साक्षी भी बहुत स्मार्ट है, स्मार्टली प्ले करती है और वो प्रिटेंड करती है कि हाँ अभी वो ब्रेकडाउन हो चुका है, अभी सब कुछ रिवील हो चुका है, तो वो सॉरी वरी बोलती है, बट फिर वो फिर चेंज हो जाती है, चेंज ओवर लेके वो इनफैक्ट वो बिंदिया पे ही डाल देती है कि बिंदिया ने मुझे ये सब करने के लिए झूठ बोलने के लिए बोला था। इस साक्षी की चोरी जब पकड़ी गई तो देखिए उसने कैसे सारा कुछ ब्लेम बिंदिया पर ही डाल दिया। अब बिंदिया ये जानती थी कि ऐसा जरूर होगा, इसीलिए इस बार उसने अपना मन पक्का कर लिया है और वो अब इस घर से कहीं नहीं जाएगी। साक्षी भाभी तो पलट गए,
और हम जानते थे कि साक्षी भाभी पलटी जरूर मारेंगी और फिर से मकड़ी के जाल में फंसा देगी। पर हाँ, अब हम इस घर से कहीं नहीं जाएंगे। और जाए भी क्यों, इस घर की बहू है एक कृष और बिंदिया का अभी तलाक नहीं हुआ है। इस प्रॉपर्टी पर, इस घर पर उसका पूरा हक है, यही हक वो अब लेकर रहेगी। देख लीजिए, है तो इस घर की ही बहू रानी पर एकदम जमीन से जुड़े हुए हैं। तो सुन लो, हम भी तुम्हें इस घर से बाहर निकाल कर ही रहे। अब फाइनली हकीकत सामने आ गई है, जिसका साक्षी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो सोच रही थी कि आराम से गेम चल रहा है, चलता रहेगा और वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेगी पायल के साथ मिलके। पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया क्योंकि बिंदिया के सामने रिवील हो चुका है कि जो पूरे घर में जो ड्रामा किया है ये साक्षी भाभी ने किया है। तो ये अब बिंदिया हमारी मानो तो प्लीज़ इस घर से, एक कृष और पायल की जिंदगी से दूर चली जाओ और अपनी एक अलग पहचान बनाओ, खुशी के साथ जिंदगी जियो। ऐसी जिंदगी जीने का, इन लोगों के साथ रहने का क्या मतलब है, जहां पर आपको बार बार सबूत देना पड़ता है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, एक होती है पेरेंट्स टीचर मीट, लेकिन हमारी बुलबुल के केस में तो इट इज हस्बैंड एंड टीचर मीट। क्या है ना कि बुलबुल की कॉलेज की प्रिंसिपल ने घर वालों को बुलाया है। अब जाहिर सी बात है कि घर वालों की तरफ से तो बुलबुल को रिप्रेजेंट करने उनके बालम ही जाएंगे। थानेदार की पत्नी बुलबुल अब कॉलेज आ रही है। अब ऐसा नहीं है कि बुलबुल सयानी नहीं है। जब उसके थानेदार सा एक कॉलेज में आए, तब देखिए बुलबुल ने जो बातें करना शुरू की, हे भगवान, उसकी बातें खत्म ही नहीं हो रही है। एक सांस में उसने इतना कुछ कह दिया कि वीर भी बस देखता रह गया। अब बुलबुल, बस करो, इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए, और वो भी जब आपका पति ही थानेदार हो। माना कि वीर आपकी सारी बातों को सुनता है, समझता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलती जाओ बोलती जाओ बोलती जाओ। कभी तो वीर को भी मौका दो बोलने का। अब वीर भी चुप है, वो बोलेगा भी क्या, जानता है अगर कुछ भी बोलेगा तो उसके दो और आगे बोलेगी बुलबुल, इसीलिए वो चुप है। गर्मी इतनी बढ़ गई है तो पहले ही खुद को ठंडा करने के लिए गोला खा लिया जाए, उसके बाद जाना है प्रिंसिपल के पास, जहां पर वर्णिका की कंप्लेन आई है। अब सबको लगा था कि बुलबुल नकल कर रही है, लेकिन हम तो जानते हैं कि वर्णिका नकल कर रही थी, बुलबुल ने तो केवल इल्जाम अपने सर लिया था। अब यहाँ पर गलत फहमी हो गई है वर्णिका को, उसे लग रहा है कि बुलबुल ने वीर को सारा सच बता दिया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसी गलत फहमी हो जाती है एंड मैं जैसे ही ऑफिस से निकलती हूँ तो मैं बुलबुल चाचा से पूछती हूँ कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था पर फिर भी आपने मेरा भरोसा क्यों तोड़ा, आपने क्यों वीर चाचू को ये बताया, तो अगर आपको बताना ही था तो फिर सारा इल्जाम क्यों लिया आपने। अब जो सच है वो तो सामने आना ही था। बुलबुल ने वर्णिका को बचाने के लिए खुद के लिए क्या कुछ नहीं सहा,
ही बुलबुल ने अपने परिवार के लिए ये कदम उठाया। इसको देखकर वीर के दिल में ही बुलबुल के लिए और भी प्यार उमड़ेगा। और अब तो थानेदार साहब थाने में कम और कॉलेज में ज्यादा नजर आएंगे। देखना आगे कुछ ऐसा ही होगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आओ बहन चुगली करें, क्योंकि बहुत कुछ है कहने के लिए, कुछ है सुनने के लिए। हेलो भाई, मैं आ गई हूँ आपके लिए सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियाँ लेकर। तो दिल थाम के बैठ जाइए। सबसे पहली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अमरमान के सर पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अभीरा को घर वापस लाने की, क्योंकि अभीरा के ससुर जी ने तो ये कह दिया है कि अगर अभीरा वापस नहीं आई तो वो घर छोड़कर चले जाएंगे। मेरे बिना आरती करने की आदत डाल लीजिए मां साहब, क्योंकि मैं ये घर और परिवार छोड़कर जा रहा हूँ। दो दिन में अभीरा वापस नहीं लौटी तो मैं इस घर से सारे रिश्ते नाते तोड़ दूंगा। अब अरमान बेचारा किसे किसे संभाले, वो तो अभीरा को घर वापस लाने के लिए मनाता हुआ नजर आएगा। तो वही उसे घर पर दादी सा को भी संभालना है। लेकिन अरमान, अभीरा आपके साथ इसीलिए नहीं आना चाहती है क्योंकि आप दादी सा के कहने पर उसे घर वापस ले जाने के लिए आए हैं, ना कि खुद से। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल झनक की। अब प्यार में सब कुछ जायज है, तभी तो अनिरुद्ध ने ये ठान लिया है कि वो झनक को जलस फील करवाकर ही रहेगा, उसे सबक सिखा कर रहेगा। अब जहां प्यार हो वहां जलन तो होगी ही, तभी तो झनक के चेहरे पर जलन साफ साफ नजर आ रही है जब अनिरुद्ध अर्शी को गले लगाता है। क्या वो अर्शी, दूर क्यों हो तुम? पास आओ ना। अनिरुद्ध इतना भी क्या गुस्सा जब झनक ने अपने बैंक अकाउंट के पेपर्स के बारे में आपसे पूछा तो आपने उसके साथ ऐसा सलूक किया, ये अचानक से आपको क्या हो गया है? मुझे तो ये जलन लग रही है क्योंकि झनक अब आपकी बातें मान नहीं रही। मेरे बैंक के डॉक्यूमेंट्स है ना आपके पास, मुझे चाहिए। ये ऐसे कैसे फेंक कर दे रहे हैं आप मुझे? हाँ तो दे तो दिया, उठाओ इसे और निकलो। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार में की। अब ये बंधन तो प्यार का बंधन है और सवी और रिशान का रिश्ता इतनी आसानी से टूटेगा नहीं, लेकिन अब इसमें नफरत भर चुकी है क्योंकि सवी के मन में इस नफरत ने ज्वालामुखी का रूप ले लिया है, जो कि ईशान और सवी के रिश्ते को जलाकर राख कर सकता है। ना तो मैं भगवान हूँ और ना ही मेरी ताई। कि आपका ये नेक काम देख के आपके गुनाहों को हम माफ करते हैं। सो प्लीज अपना गुस्सा साइड में रखो, तुम्हारे गुस्से की कीमत तुम्हारी ताई की जिंदगी नहीं हो सकती। एक बार में समझ नहीं आता आपको, और ये मेरा गुस्सा नहीं आपके लिए मेरी नफरत है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल पंड्या स्टोर की। अब खुशी के साथ साथ मकवाना परिवार पर गम के बादल छा चुके हैं। मैंने आपको बताया था ना कि अमरीश की मौत हो जाएगी, अब ऐसे में मकवाना परिवार को इस दुख की घड़ी में एक रखने का काम नताशा का होगा, क्योंकि अमरीश की जान तो नताशा नहीं बचा पाई। मुझे जाने दो नताशा। अमरीश भैया हाथ मत छोड़ना, तुम्हारे अंदर हमारे परिवार का अंश है। अगर मुझे बचाते बचाते इस बच्चे को कुछ हो गया तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा नताशा।
अगली चुगली लाई हूँ सीरियल मेहंदी वाला घर की। अब करण और मनीषा के घर वालों में से कौन झुकेगा इसका फैसला होगा एक मैच से। अब मौली ने क्या तरकीब निकाली है भाई, एक मैच इस बात का फैसला करेगा कि किसकी बात मानी जाएगी। यानी कि इतनी आसानी से करण और मनीषा की शादी तो नहीं होने वाली, लेकिन मौली ने भी ठान लिया है कि वो करण और मनीषा की शादी करवा कर ही रहेगी। लेकिन बात अब इतनी सी है कि किसकी बात मानी जाएगी इसका फैसला होगा एक मैच से। अगर हम लोग जीते तो आप सबको बुआ जी की शादी में खुशी खुशी आना होगा, और अगर आप लोग जीते तो आप लोग चाहेंगे वैसा होगा। जीत कर ये मैच क्या मौली करीब ला पाएगी दो परिवार। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल काव्या की। अरे अरे अधिराज, आप घबराइए नहीं, घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आपकी पत्नी काव्या ने ये ठान लिया है कि जब तक वो आपको बेगुनाह साबित नहीं कर देती वो चैन की सांस नहीं लेगी। तो आप भी भरोसा रखिए काव्या पर। हम वादा करते हैं तुमसे, तुम्हारी बेगुनाही हम साबित करके रहेंगे, कैसे भी करेंगे बस करके रहेंगे। लो भाई मैं तो चली, क्योंकि ABP News आपको रखे आगे।